हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मच्छिंद्र माने, आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस या किसी भी कंट्री का वाटर जो सी वाटर है उसकी रेंज कहाँ तक है, उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से रेंज तक सी साइड में कौन से रेंज तक एप्लीकेबल है, कंट्री कौन से रेंज तक एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, कौन से रेंज तक, कौन से डिस्टेंस तक कंट्री के रूल्स, कंट्री का लिमिट, किसी भी कंट्री का लिमिट, किसी भी कंट्री का वाटर जो बोलते हैं वो कौन से रेंज तक है, और इंटरनेशनल वाटर कहाँ से चालू होता है। जैसे कि हमारा कंट्री जो है वो हमारा कंट्री कौन से डिस्टेंस तक, कितने डिस्टेंस तक एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोटेशन, ऑयल या गैसेस, मैरिटाइम रिसर्चेस, फिशिंग कर सकते हैं। एक रेंज दिया हुआ है हर एक कंट्री को कि इस रेंज तक आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, इस रेंज तक आप कस्टम्स या इमिग्रेशन ड्यूटीज़ ले सकते हो, इस रेंज के बाद आप एक्सप्लोटेशन कर सकते हो, ये आपका लिमिट है, इस लिमिट के बाद में इंटरनेशनल रूल्स चालू हो जाते हैं। तो ये रेंज क्या है, ये रेंज किसने बनाए है, कोई कन्वेंशन है क्या, उसे कोई रेगुलेट कर रहा है क्या, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर दी है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैंने आज का लेक्चर बनाया। तो वीडियो पूरा देखना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज उसे बोलते हैं अंक्लॉज, अंक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी डिफाइन ऑल मैरिटाइम जोन, मतलब आपके कोस्ट से जो कोस्टल स्टेट रहेगा, जो कंट्री रहेगी, कंट्री की लिमिट्स कौन से रेंज तक है और कौन से रेंज में कौन से राइट्स है। जैसे कि 12 नॉटिकल माइल पे डिफरेंट राइट्स होंगे, अगर लैंड साइड अगर पानी है तो उसमें डिफरेंट राइट्स होंगे, 24 नॉटिकल माइल डिफरेंट राइट्स है, 200 नॉटिकल माइल पे डिफरेंट राइट्स है और 350 नॉटिकल माइल पे डिफरेंट राइट्स है। तो हर एक डिस्टेंस पे हमारा एक शोर है, शोर से जो पानी रहेगा 24 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, 350 नॉटिकल माइल और उसके आगे हमारी कंट्री की क्या क्या लिमिटेशंस है, कौन से राइट्स है और कौन से डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे हमारे कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे, ये सारा डिसीजन, ये सारे डिसाइड्स हुए हैं अंक्लॉज में, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सीज। एक एक कन्वेंशन है अंक्लॉज, उस कन्वेंशन में इंटरनेशनली मतलब ये ऐसे नहीं कि एक किसी कंट्री के लिए एप्लीकेबल है, ये सारे इंटरनेशनली ग्लोबली एक्सेप्टेड है अंक्लॉज। तो उसमें क्या क्या है, ऑल मैरिटाइम जोन्स मतलब कितने जोन्स मतलब रेंज, कौन से जोन में क्या राइट्स है और कौन से राइट्स के लिए आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, राइट्स ऑफ कोस्टल सेट टू क्लेम अ मैरिटाइम जोन, मतलब वो मैरिटाइम जोन में आप कौन से चीज़ के लिए क्लेम कर सकते हो। जैसे हम किसी जोन में कहाँ तक हम एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोटेशन कर सकते हैं, गैस निकाल सकते हैं, हम लोग करंट या विंड से हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे राइट्स कहाँ तक है और कौन से रेंज तक हमारे राइट्स है और क्या क्या हमारे राइट्स है, ये सारे डिसाइड हुआ है अंक्लॉज में। तभी हम लोग देखते हैं कि अंक्लॉज की डिविजन्स क्या है, मतलब जो शोर लाइन है, शोर लाइन से कौन से डिस्टेंस तक क्या बोला जाता है, कौन सा जोन बोला सकता है, उसके बाद में क्या बोला जाता है, उसके हर एक जोन से उन्होंने क्या किया, जो कोस्टेट्स है, जो कोस्टल रेंज है हमारा, कोस्टल रेंज में जो लोअर एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होता है, मतलब एक बेसलाइन बनाया। ठीक है, ये हमारा कोस्ट है, लेट्स से ये इंडिया का कोस्ट है। ठीक है, ये कोस्ट में इस तरफ लैंड है और उन्होंने एक बेसलाइन बनाया, ये बेसलाइन मतलब लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड, लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल जो टाइड है वहाँ पर एक बेसलाइन बनाया, वो पॉइंट्स को जॉइन किया, एक बेसलाइन बनाया, एक इमेजिनरी लाइन बनाई, एक बेसलाइन ड्रॉ किया। बेसलाइन के बाद में जो 12 नॉटिकल माइल डिस्टेंस रहेगा बेसलाइन से अपने सी की तरफ, जो 12 नॉटिकल माइल डिस्टेंस रहेगा उसे बोलेंगे टेरेस्ट्रियल सी, टेरेस्ट्रियल सी। तो टेरेस्ट्रियल सी में क्या, अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेसलाइन हैज़ अ टेरेस्ट्रियल सेवरिटी कंप्लीट फ्रीडम लॉ ऑफ कंट्री इज एप्लीकेबल, मतलब 12 नॉटिकल माइल तक आपके कंट्री के जो लॉज है, आपके कंट्री के जो नियम है, जो कायदे कानून है, वो 12 नॉटिकल माइल रेंज तक, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल रेंज तक वो आपका पानी है, वहाँ तक आपके सारे रूल्स एंड सारे रेगुलेशन, एक कंप्लीट फ्रीडम है, कौन से वेसल को आने देना है, कौन से शिप को आने देना है, कौन से एक्टिविटीज़ करना है, क्या एक्टिविटीज़ करना है, कब तक करना है, सारे राइट्स, कंप्लीट फ्रीडम 12 नॉटिकल माइल तक, हमारे बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल तक आपके कंट्री को सारे फ्रीडम है, उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल सी। अभी जो बेसलाइन है, बेसलाइन से जो लैंड की तरफ जो पानी है वहाँ पर आपके रिवर्स आ गए, लेक्स आ गए, हाँ, तो लैंड की तरफ जो पानी है उसे बोलते हैं इंटरनल वाटर,
ये बेसलाइन है, उन्होंने जो इमेजनरी बेसलाइन ड्रॉ किया था, बेसलाइन से लैंड की तरफ जो पानी है उसे बोलेंगे इंटरनल वाटर। तो वाटर ऑन लैंड साइड ऑफ अ बेसलाइन जो ऑलरेडी आपका पानी है जहाँ पर आपका कंट्री के लॉस लगेंगे इंटरनल वाटर में। बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल तक भी आपके कंट्रीज के सारे लॉस लगेंगे। नेक्स्ट आता है कंटीजिनियस जोन। कंटीजिनियस जोन मतलब बेसलाइन से 24 नॉटिकल माइल, मतलब आपका टेरेस्ट्रियल से 12 नॉटिकल माइल और ज़्यादा। हाँ, तो कंटीजिनियस जोन 24 नॉटिकल माइल। अभी कंटीजिनियस जोन में क्या क्या राइट्स है ये देखते हैं। कंटीजिनियस जोन 24 नॉटिकल माइल अप टू 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेसलाइन, ठीक है। क्लेम सिविजियन राइट्स फॉर कस्टम्स, फिस्कल, इमिग्रेशन एंड द हेल्थ एनफोर्समेंट पर्पस। मतलब आपके टेरिस्ट्रियल वाटर में जो राइट्स थे, जो कंप्लीट फ्रीडम था, वो आपके कंटीजिनियस जोन में नहीं मिलेगा। 12 नॉटिकल माइल खत्म हो गया, आपके बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल खत्म हो गया, उसके बाद में 12 नॉटिकल माइल तक आप ये सारी चीज़ें क्लेम कर सकते हो। क्या क्या है? कस्टम्स, अगर वहाँ पर कोई शिप आ रहा है तो आप कस्टम ड्यूटीज ले सकते हो, कस्टम्स, फिस्कल, इमिग्रेशन, हेल्थ एनफोर्समेंट पर्पस, ये सारी चीज़ें के लिए आपका कंट्री क्लेम कर सकता है कंटीजिनियस जोन में। उसका रेंज है 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेसलाइन। अभी उसके आगे एक आ गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन कब तक आता है? अप टू 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेसलाइन। एक हो गया टेरेस्ट्रियल वाटर, एक हो गया कंटीजिनियस जोन, अभी आ गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन कब तक है? अप टू 200 नॉटिकल माइल। उसमें कौन से राइट्स क्लेम करेंगे आपकी कंट्री, कौन से राइट्स है? राइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ मैरिटाइम रिसोर्सेज। मतलब आप वहाँ पर गैसेस निकाल सकते हो, आप वहाँ पर ऑयल निकाल सकते हो, वहाँ पर आप कोई साइंटिफिक अगर कोई रिसर्च करना है वो रिसर्च कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। लेकिन टेरेस्ट्रियल जोन में या टेरेस्ट्रियल वाटर में या कंटीजिनियस जोन में आपको जो राइट्स थे, आपको जो फ्रीडम था, वो आपको फ्रीडम वहाँ पर नहीं मिलेगा। वो पानी आपका है, वो सीबेड आपका है, लेकिन वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है। आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, मतलब वहाँ पर अगर ऑयल मिला तो वो ऑयल आपके कंट्री का है अप टू 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, हाँ, और आप वहाँ पर कुछ मैरिटाइम रिसर्चेस करने हैं वो भी कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल। अभी नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन खत्म होने के बाद में आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है कि अप टू 350 नॉटिकल माइल, और मतलब बेसलाइन से अप टू 350 नॉटिकल माइल, और वो क्या होता है कि जो लैंड का स्लोप है वो स्लोप जहाँ पर ख़त्म होगा, जैसे ये स्लोप आ गया और यहाँ पर स्लोप ख़त्म हो गया, यहाँ से डीप वाटर चालू हो गया, तो यहाँ तक आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ माना जाएगा। मतलब ओपन सी जहाँ से चालू होता है या जहाँ से आपके सी बेड 100 से 200 मीटर ज़्यादा, 100 या 200 मीटर तक सी बेड की जो डेप्थ हो जाती है वहाँ तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ माना जाता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ अप टू 350 नॉटिकल माइल, और बेसलाइन से लेके जहाँ तक आपका स्लोप ओपन वाटर तक चालू हो जाता है, ओपन वाटर जहाँ तक चालू हो जाता है, जहाँ से चालू हो जाता है वहाँ तक जो रेंज रहेगा उसे बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आप माइनिंग कर सकते हो और मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च भी कर सकते हो। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आप एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोटेशन भी कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज करो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंडिया का बहुत ज़्यादा है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में अगर इंडिया एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोटेशन नहीं करती है, अगर हम वहाँ पर गैस या ऑयल नहीं निकाल रहे, तो ऐसा भी नहीं कि कोई दूसरा कंट्री आके हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोटेशन करे। उसे वो करने की परमिशन जब तक हमारे कंट्री नहीं देगी, तब तक कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट आपके उस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरिया में आके एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकता। मतलब एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोटेशन के सारे राइट्स कोस्टल स्टेट के अप टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक आप एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोटेशन, मैरीटाइम रिसर्चेस, माइनिंग्स वगैरह सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया सबसे इंपॉर्टेंट बेसलाइन। बेसलाइन जो लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होता है, मतलब जो लो वाटर चालू हो जाता है, और लो वाटर उस लाइन के नीचे कभी नहीं जाएगा। लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड, ये हम लोग टाइड में पढ़ेंगे। लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होता क्या, जनरल मैं बता देता हूँ कि पानी का जब लो वाटर चालू हो जाता है, तो लो वाटर चालू होने के बाद में उस लाइन के बाद आपका पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ, तो लो वाटर का जो लास्ट लिमिट है, लो वाटर का जो लास्ट लिमिट है उसे बोलेंगे
बेसलाइन, वो जारी सारे पॉइंट्स कलेक्ट करने के बाद में, वो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद में बेसलाइन बनेगा। बेसलाइन के बाद में आएंगे इंटरनल वाटर, मतलब बेसलाइन के अंदर वाले जो पानी है उसे बोलेंगे इंटरनल वाटर। बेसलाइन के बाद में 12 नॉटिकल माइल तक टेरेस्ट्रियल सी, जहाँ पर आपके कंट्रीज के सारे लॉ एप्लीकेबल है, कंट्री की फुल फ्रीडम है, वहाँ पर आप कौन सा वेसल आएगा कौन सा वेसल जाएगा सारे वेसल्स को पूरा कंट्रोल कर सकते हो, उसे बोलेंगे टेरेस्ट्रियल वाटर। कंटिन्यूस जोन मतलब अप टू 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेसलाइन, 24 नॉटिकल माइल जहाँ तक, जहाँ पर आप कस्टम्स क्लेम कर सकते हो, आप वहाँ पर आप फिस्कल क्लेम कर सकते हो, इमिग्रेशन क्लेम कर सकते हो, हेल्थ एनफोर्समेंट पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो कंटिन्यूस जोन हो गया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल, जहाँ पर एक्सप्लोटेशन आप मैरीटाइम रिसर्चेस फिशिंग की सारी चीज़ें कर सकते हो। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब जहाँ से बेसलाइन से लेके जहाँ पर डीप वाटर चालू हो जाता है वहाँ तक जो रेंज रहेगा उसे बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और अप टू 350 नॉटिकल माइल राइट्स फॉर माइनिंग एंड द मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके एनक्लोज में दिया है, इसमें बहुत सारे क्लॉज है, बहुत सारे और पॉइंट्स हैं, लेकिन हमारे पर्पज़ के लिए, जनरल पर्पज़ के लिए इतना चीज़ काफ़ी है।